फातिमा तू बुरा तो मम्मी और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ताला हाफिज साहब के वालिद साहब तो जन्नत में फिरदौस में आना और सब काम अता फरमाए और आपकी वालिदा का साया कादर आपके सिरों पे कायम अता फरमाए। आज भी इनके वालिद साहब जिंदा होते ना और इनका जिक्र किया जाता और जिक्र हम करते थे तो उनका सीना खुशी से फूल जाया करता था। लेकिन सोने सारे जहानों के सरदार के जिगर के टुकड़े की बात हो और नबी की उम्मत की खामोश बैठा हो, बात हजम नहीं होती। जो जिगर के टुकड़े खाता है वो सीने का राठौर लगा के कहते सुभान अल्लाह। नबी की शाह आजादी है वो फातिमा व सहरा, कौन सहरा? बस बात से भी कहा हूं तो मुस्तफा का कमाल सहरा तो मुर्तजा का जमाल सहरा। नवीन भाई आप ज़िया साहब ज़िया साहब रफीक ज़िया साहब की शकील थे, सुनिएगा। तुम मुस्तफा का कमाल सहरा तुम मुर्तजा का जमाल सहरा है, बाग जन्नत के असर वार ये तेरे दोनों हिलाल सहरा, जहान फकरों की राह के अंदर है आप अपनी मिसाल सहरा, जमाल चौकट में पल रहा है तुझे भी टुकड़ों में पाल सहरा, करोड़ मैशर भुला कर देना ये मेरे तुझसे सवाल सारा, भले ही हम खा के तेरा लंगर खुदारा इसको समान जहरा। सामने मोहतरम कल 18 ज़िलहिज्जा कल सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत करी और कल किसने और कल गदीरे खुम के मकाम पे मिलाकर ने ये भी फरमाया था, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ानी शुमाला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो देखो शाह ला पता जो फाता है होने ये पानी तन के गुल सीता को फर्द ज़ैद हुसैन है, इसी की आन में हसन और फिर हुसैन है जो है नबी से सुन सके वो मुर्तजा की जात है, ये पांच तन का जिक्र है ये पांच तन की बात है, मेरे नबी के फूल को एक झूठे एक हसन है या के इनके रूप में नबी के नूर की खपत हसन और जिसको है के लिए सयादत है शहे समझ जो दीन को बचा गई हुसैन की वो साथ है, ये पांच तन का जिक्र है ये पांच तन की बात है, ये पांच तन का जिक्र है ये पांच तन की बात है। आखिरी गिरा लगा के मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरे वक्त से टाइम डबल हो चुका है, लेकिन बात यह है कि ईमान ये है कि अल्लाह ने जो जान दी है ना ये जो जोर दिया, मुझे अभी डेंगू भी हुआ था, मेरा पित्ता भी निकल गया है, मेरे जिगर में भी इंफेक्शन, मेरी किडनीज भी दोनों इंफेक्टेड हो गई थी, वॉमिटिंग मुझे थी, मोशन मुझे थे, ये चौधरी साहब फरमाए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था जावे वाजिद से अंदर से बंदी देनी छुट्टी, लेकिन ये मेरे सोने आका का सदका है कि अल्लाह ने मुझे फिर से वो जान अता फरमाई और ये जो जान है ना ये सैयदा ज़हरा का सदका है, और अगर जिरगा खाते हैं उन्हीं के गुण ना गाए तो हमारी जिंदगी का इन बड़ी बड़ी लाशों का क्या फायदा है। अब जो जवान ये समझता है कि उसके सीने में ये जो जोर है ये मेरे आका का सदका है, वो एक दफा दोनों हाथ बुलंद करके सीने का जोर लगा के कहते सुभान अल्लाह। जो दीन को बचा गए जो दीन को बचा गई हुसैन की वजात है, जो दीन को बचा गई हुसैन की वजात है। राजी भाई कहते हैं तो नहीं गिरा पड़ देता हूँ, तो बुरा नहीं गिरा पड़ देता हूँ कि पर नहीं सुना ताकि आप में केल में भी इजाफा हो जाए, अल्लाह से आप बड़े आलिम हैं, पर अब सुनिए शहीद सारे मौत बर मगर हुसैन है, शहीद सारे मौत बर मगर हुसैन एक है, बुलंद है सभी के सर मगर हुसैन एक है, बुलंद है सभी के सर मगर हुसैन एक है, बुलंद है सभी के सर मगर हुसैन एक है, बुलंद है सभी के सर मगर हुसैन एक है, सब के सब हसीन कर सब के सब हो कहर सभी ये मर के से नसर मगर हुसैन एक है, मगर हुसैन एक है, खुला हुआ हर एक कदर हर एक दुआ हर एक असर सभी ये यूं तो घर का घर मगर हुसैन एक है, सभी ये यूं तो घर का घर मगर हुसैन एक है, और है कोई ये मकान नगर तो कोई उस नगर का दर है, कोई ये मकान नगर तो कोई उस नगर
पर कि ये घर का घर मगर हुसैन एक है, लुटा नहीं है किसका घर, कटा नहीं है किसका सर, सभी यकूब में तर पतर मगर हुसैन एक है, सभी यजीद तर पतर हुए के घाट सर पसर लिखा के अभी आज पर मगर हुसैन है। खुदा का शुक्र है कि उनके नौकरों में नाम है, खुदा का शुक्र है कि उनके नौकरों में नाम है, आपको साजन भाई मास्टर जी हमारे मास्टर से गर्दी है कपड़े चपड़े भी सीखे देते हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको, आप भी तशरीफ ले करना, इसे शमरेज भाई भी आए, जितने भी अहबाब आए सबको खुशामदीद है। हम दाता की नगरी, वाह वाह वाह, वो नगरी जहाँ से बड़े बड़े औलिया किराम ने फैज पाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अदिलेदी ने ये फरमाया था कि गंजे बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा, ना कि सारा पीर कामिल का मिला रहनुमा, उसी धरती से तशरीफ लाए मेरे आका के अजीम हिम्मत का है रसूल फूल चमन इसाने रिसाले इमाम वासिफ दाशदार हुकूमत जिला मोहम्मद आसिफ चिश्ती साहब, आप तशरीफ लाते हैं और मेरे सोने आने की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करवाते हैं। यकीन जाने मैंने पूरी महफिल का जोर अपने ऐलान में लगा दिया है, अब सीधा हाथ बुलंद करके अल्लाह की बादलियत का इकरार करना है, कोई और बात नहीं करनी है, सीधा हाथ बुलंद करके नारे तकबीर ईमानदारी के साथ